राधा बची जेल जाने से, लेकिन चाबियों का गुच्छा चला गया हाथों से। जी हाँ दोस्तों, टीवी सीरियल राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे राधा को चोरी के इल्जाम में पकड़ता देख सभी ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब राधा को जेल भिजवा देंगे, लेकिन मोहन की माँ घर में पुलिस बुलाने से इनकार कर देती है। मोहन के पूछे जाने पर कारण बताती है गुनगुन। गुनगुन जब सुबह उठकर ये पूछेगी कि राधा कहाँ गई, वो जेल में क्यों गई, तो क्या हम उसको ये कहेंगे कि राधा ने चोरी की थी? मोहन, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि गुनगुन राधा के ऊपर विश्वास करती है, तुम्हारे ऊपर जरा भी नहीं। और 6 महीने बाद जब गुनगुन की कस्टडी के लिए फिर से केस लड़ा जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो मोहन पहले से ही तुलसी के खून का इल्जाम लगा हुआ है, राधा के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाएगा, तो उसके बाद गुनगुन की कस्टडी तुम्हारे हाथों में नहीं आ पाएगी। दामिनी भी अपना फायदा देखते हुए राधा को जेल जाने से मना कर देती है कि अगर घर में पुलिस आई और राधा के कहने पर तिजोरी चेक हुई तो उसमें सबूत मिल सकता था। मोहन इस बात को तो अपनी माँ की मान लेता है, लेकिन राधा के हाथ से चाबी छीन कर वापस अपनी माँ को लौटा देता है। राधा को इस बात का बहुत ही दुख होता है। उधर मोहन की माँ अपने कमरे में जाकर इस बात का दुख जताती है कि हमने राधा पर विश्वास किया था, लेकिन उसने हमारा विश्वास तोड़ दिया। उधर दामिनी और कावेरी भी खैर मना रही थी कि आज तो हम बच गए, लेकिन आगे नहीं बच पाएंगे क्योंकि राधा को हम पर शक हो चुका है। उधर काले कपड़े वाला भी चाहता है कि राधा को दामिनी और कावेरी के खिलाफ सबूत मिल जाए। ये काले कपड़े का राज कब तक खुलेगा, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता लग पाएगा। साथ ही ये भी देखना होगा कि राधा चोरी का इल्जाम अपने ऊपर से कैसे हटाएगी, वो घर में अपने आप को सही प्रूफ करने में साबित हो पाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।